सो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल ये क्या है। तो जो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल है ये क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका मूलभूत सिद्धांत है। तो ये किसने दिया था, फ्रैंक एंड कोंडन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। ये किसका है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है, मूलभूत सिद्धांत है। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या बताता है, अपन ये चीज देखने वाले हैं। तो ये इस सिद्धांत के बारे में किस चीज को बताया जा सकता है, ये सिद्धांत बताता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, उनसे जो प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होते हैं, वो स्पेक्ट्रमों के जो बेंड होते हैं उसकी तीव्रता और उसके आकार, उसको बताया जा सकता है। यानी ये जो फ्रैंक कोंडन जो प्रिंसिपल है, इन सिद्धांत के द्वारा किस चीज को समझाया जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, कौन से, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण ट्रांजिशन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमणों से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होते हैं, किसे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम के जो बेंड होते हैं, स्पेक्ट्रम के बेंडों की जो तीव्रता होती है और उसका जो आकार होता है, उसके बारे में बताया जा सकता है ना। फ्रैंक कोंडन जो प्रिंसिपल है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होते हैं, उनके बेंडों की तीव्रता और उसके आकार होते हैं, उसके बारे में बताया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं सिद्धांत है क्या, इस सिद्धांत के अनुसार चीज क्या है। तो ये सिद्धांत बोलता है कि किसी भी अणु में, यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतने तीव्र गति से होता है कि इतनी तीव्र गति से होता है या इतने कम समय में होता है कि जो नाभिक होते हैं उससे जो गति का जो समय होता है ना, नाभिक गति करने का समय ही नहीं मिलता है ना, जो नाभिक होता है उसको गति करने का समय ही नहीं मिलेगा। मीन्स क्या हो गया कि नाभिक के संवेग और स्थिति कैसी रहती है, वैसी की वैसी रहेगी जैसी की जैसी क्या थी संक्रमण से पहले थी। मीन्स ये हो गया कि ये मान लिया, ये कोई ऐसे डायग्राम के द्वारा आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये कोई ऊर्जा स्तर है, ठीक है, 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2। अब मान लिया ये तो क्या है, हाई ऊर्जा यानी उच्च ऊर्जा स्तर है, और ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है। तो ये कोई एटम है, ये इतनी जल्दी से जाएगा और इतनी जल्दी से क्या जाएगा, वापिस आ जाएगा, इसमें जाएगा वापिस आ जाएगा, ये यहां पे जाएगा और ये वापिस आ जाएगा ना, 0 से 0, 0 से 1, 0 से 2, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अणु है उसमें संक्रमण होगा वो कितने समय में होगा, 10^-15 सेकंड, यानी कुछ इतनी सेकंड के अंदर, यानी इतनी सेकंड के अंदर ये जाएगा और वापस आ जाएगा। यानी अणु होगा, जो एटम होगा, उस एटम को पता ही नहीं चलेगा, उस एटम को पता ही नहीं चलेगा कि इसका मूवमेंट हुआ है। तो क्या होगा, जो नाभिक होगा वो नाभिक वैसा का वैसा रहेगा, मतलब नाभिक के जो अणु है उनमें जो बॉन्ड है उन बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि 10^-15 कितनी सेकंड होती है, एकदम नैनो सेकंड होती है, पता ही नहीं चलता। तो अब अपने सिद्धांत को नोट कर लेते हैं कि क्या था। इस सिद्धांत के अनुसार था कि किसी अणु में साथ साथ नोट कर लीजिए, कोई नोट करने वाला है तो, किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतनी तीव्र गति कितनी है कोई, 10^-15 सेकंड, मात्र कितनी, 10^-15 सेकंड, 10^ इतनी तीव्र गति में होता है या इतने कम समय में होता है कि नाभिक कि जो नाभिक होगा, नाभिकों को गति करने का समय ही नहीं मिलता,
समय ही नहीं मिलता है। यानी इन्होंने बताया कि किसी अणु में जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण होगा वो इतनी तीव्र गति से होगा कि नाभिक को गति करने का समय ही नहीं मिलेगा, मतलब नाभिक को पता भी नहीं चलेगा कि एटम ने कब गति कर ली, कब वापिस आ गया हो, पता ही मूवमेंट इतना जल्दी होगा कि पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें इसका जो, या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि संक्रमण में बस इलेक्ट्रॉन ही उत्तेजित होते हैं, यानी इसमें जो संक्रमण होगा इसमें नाभिक में कोई नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। कहां से चले जाएंगे, निम्न से उच्च के अंदर चले जाएंगे। तो इस प्रक्रम के अंदर क्या होगा, जो अणु होगा उन अणु का वियोजन नहीं होगा। वियोजन का मतलब क्या हो गया, अणु में यहां पे जो बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड नहीं टूटेंगे। तो ये था फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल। बस इतनी ही चीज है इसके अंदर कि कोई भी अणु जाएगा है ना इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से इतनी गति से जाएगा, यानी इसका ना इस चीज को ध्यान रखना है, 10^-15 सेकंड के अंदर जाएगा कि नाभिक को पता ही नहीं चलेगा कि कब इलेक्ट्रॉन का निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला गया और उच्च से निम्न के अंदर आ गया। तो यही था फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी यदि कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।